जरमिया बोलकर कहा कि मैं आपसे ये कलाम शेयर करूं आज। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च बदलते हैं, पास्टर बदलते हैं, इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि शायद हम किसी और पास्टर से, अपने पास्टर को छोड़ के किसी और पास्टर से प्रे करवाएंगे तो हम हील होंगे। बाजू बात पास्टर बदलने की नहीं, खुद को बदलने की है। आप और पास्टर के पास जाओगे, उसका खुदा भी वही है जिसे आप छोड़ कर गए, उसका खुदा भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज कलीसिया में, जब कोई बंदा हील नहीं होता प्रे करने के बाद, प्रे करता है या करवाता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता, तो कभी किसी ने कोशिश नहीं की वो अपने कैरेक्टर को देखे, अपने और खुदा के रिलेशन को देखे। मेरी बात की समझ आएगी? कभी नहीं सोचा कि मैं अपने आप को देखूं, मैं 16 साल से खुदा के साथ चल रहा हूं। अब तो ऐसा होते ही नहीं, जब शुरू शुरू में ऐसा होता था, प्रे की जवाब नहीं आया, चेक करो अपने आप को, कहां पे प्रॉब्लम है, क्या रीजन है। मुझे नवागा में, मैं फ्राइडे की एक मीटिंग करता हूं, मैंने बताया था पहले भी आपको, वहां पे रैल फॉर्म के लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बड़ा रश होता है वहां पे, और गैदरिंग कम हो गई। अब मुझे पता था कि ये गैदरिंग कम क्यों हुई है, लोग ज्यादा है, प्रे कम है, इसलिए गैदरिंग कम है। खुदा चाहता है कि इतनी प्रे ज्यादा हो। तो मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता चल गया था अब प्रे बढ़ेगी तो गैदरिंग और मैं उसे रट्टा नहीं लाया, प्रे करते फिर भी कही जमा, खुदा उन लोग दे। और ऐसा होता है, आप बाइबल में देख ले, मुख्य जगहों पे ऐसा हुआ। जब बाइबल लिखा है मरकस 5 उसकी 25 देख ले, वहां पर लिखा है, पाक आपकी 25 आयत में लिखा है, एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, और जहां पर जगह पे यीशु थे वहां पर आई, और जहां यीशु होता था बाइबल बताती है कि बड़ी भीड़, एक बड़ा रश लग जाता था, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लोग, परेशानियों वाले लोग, जो मुसीबतों में थे वो सब लोग, मुख्तलिफ ख्वाहिशात रखने वाले लोग खुदा के पास आते थे, और जहां ये औरत गई वहां पर बाइबल बताती है कि भीड़ थी। पहले तो ये औरत डर गई, लेकिन बाइबल बताती है बाद में यीशु के पास गई और जाकर यीशु से बात नहीं की, हाथ नहीं मलाया, अपनी बीमारी नहीं शेयर की यीशु के साथ, बल्कि वाइब लगे कि ईमान के साथ उसकी पोशाक को बोलो क्या किया, और वाइब लगे एकदम से वो ब्लड जो 12 साल से उसके जिस्म से निकल रहा था, पैर आता रुक गया, और एकदम से यीशु मसीह ने क्या बिल्कुल यीशु मसीह ने महसूस किया कि मुझ में से कुवत निकली। वहां पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। अब शागिर्दों के लिए ये बात हंसने वाली थी, शागिर्दों ने यह गल हंसने वाली थी, शागिर्दों ने कहा अब छूने की बात करें, लोग यहां पर गिर रहे, आप कह रहे मुझे किसी ने छुआ है, मुझे यहां पर छूने की बात नहीं कहा, किसी ने फेथ के साथ, ईमान के साथ छुआ। मेरी बात की समझ आ रही है? अब जो लोग ऊपर गिर रहे थे, इसने जस्ट पोशाक को छुआ, और बहुत से लोग थे जो यीशु की बॉडी को हाथ लगा रहे थे लेकिन हील नहीं हो रहे थे। अब क्या कहते, वो यीशु बदल लेते, ही कहते यीशु बदल लेते, प्रॉब्लम यीशु में थी या क्यों? वही कुवत, वो हील हुई जिसने पोशाक को छुआ, लेकिन जो हाथ लगा रहे हैं, जो ऊपर गिर रहे हैं, शागिर्दों ने क्या लोकी तड़ते डिगे नहीं रहे, मतलब कि लोकी डिगे रहे सर। अब जो गिरे हैं वो हील नहीं हुए, जिसके साथ टच हो रहे हैं वो हील नहीं हुए, तो जिसने पोशाक को छुआ, बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया, वो हील होगी। रीजन क्या है? आपका फेथ